अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का ओल्ड कैंपस है, बहुत खूबसूरत कैंपस है। यहाँ पर कुछ लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो यहाँ खाते पीते हैं। और इस खूबसूरत लॉन के अंदर ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, बोटल्स, शॉपर यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। इन स्टूडेंट्स को मैं क्या कहूँ, इन लोगों को मैं क्या कहूँ, ये साथ ही बिन लगी हुई है, बिल्कुल ये देखे सामने येलो कलर में बिन लगी हुई है, लेकिन यहाँ खाते पीते हैं और कोई ट्रेनिंग नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इनके लिए इनके साथ क्या किया जाए। मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ लिख के लगा दिया जाए कि यहाँ रबेश छोड़ने वाले को 5,000 या 1,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा। यहाँ पर हर तरफ लिख कर लगा दिया जाए कि यहाँ पर रबेश छोड़ने वालों को जुर्माना किया जाएगा। तो ये शान जेब मुझे मिले हैं और ये रिजवान बेटा मुझे मिले हैं, तो ये मेरी हेल्प करेंगे, ये इस रबश को उठाएंगे और हम इसको बिन के अंदर फेंकेंगे। प्लीज़, थैंक यू। ये वाला पीस भी उठा लें, ये वाला, ये छोटा सा। शान जेब, रिजवान बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। बस आपने ना वो उस बिन के अंदर फेंक देना है इसको। जज़ाकल्ला। ये मेरा पैगाम तमाम लोगों तक पहुँचाएँ कि यहाँ खाने पीने वाले, बैठने वाले लोग इंजॉय करें, लेकिन जाते हुए अपना रबश, एक बिन ये है, एक बिन उधर भी लगी हुई है, तो इसके अंदर प्लीज़ फेंक के जाया करें। अल्लाह ताला हमें हदायत दे।